माशाल्लाह दोस्तों, आप देख सकते हैं हमारे चूजे वाटरमेलन को कितना खुश होके खा रहे हैं। इनको देखे, मैंने छोटे छोटे टुकड़े करके डाला है। बाकी मुर्गियां भी इनके पास आ गई हैं, जो कि बहुत ही अच्छा होता है चूजों के लिए, बहुत ही ठंडा होता है। इनके जो मैदे होते हैं इनको ठंडक पहुंचाता है। ये वीक में एक ना एक दिन लाजमी डालना चाहिए, इससे हमारे चिक्स बहुत ज़्यादा हेल्दी रहते हैं। और ख़ास तौर पे दोस्तों गर्मियों में चिक्स के लिए बहुत ही अच्छा होता है, तो मैं तो हर वीक अपने मुर्गियों को डालता हूँ। अब भी इनको खिलाते हैं या नहीं, कॉमेंट्स में आपने ज़रूर बताना है। यान, तुम्हें एक काम बोला था, अल्फा बीटा के आगे पानी डाला है? नहीं, भूल गए, आज फिर भूल गए। चलो जल्दी भागो जल्दी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है? उम्मीद करता हूँ अल्लाह के फजलो करम से आप सब ठीक ठाक होंगे। दोस्तों अभी शाम का टाइम है, मैंने अपने चिक्स के आगे वाटरमेलन डाल दिया, जो कि बहुत खुशी से खाते हैं। अभी आज आप सबके लिए एक बहुत ही प्यारी गुड न्यूज़ है, एक आप लोग बहुत ज़्यादा खुश होने वाले और मुझे भी बहुत ज़्यादा खुशी हुई है। तो मैं अभी आपको नीचे चल के दिखाता हूँ। आप देख सकते हैं वो सामने हमारा मास्टर केज, और आयशा वो सामने घूम रही है, परिंदों को तंग कर रही है। यान को मैंने बोला था दोस्तों कि अल्फा बीटा गामा डेल्टा के आगे जो है वो पानी डाले, तो अभी हम नीचे जाके देखते हैं कि उनको पानी डाला है इसने या नहीं। पानी डाला है ना ठीक तरीके से? हाँ। डाला है, ठीक है, अभी हम नीचे जाके देखते हैं। और दोस्तों एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, हर वीडियो के एंड में मैं आप लोगों के जो कमेंट्स होते हैं उनको पढ़ के उनको अपने वीडियो में अटैच करता हूँ। इस वीडियो के एंड में भी आपको कुछ कमेंट्स मिल जाएंगे जो कि मैंने पढ़े हैं और वीडियो में लगाए हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपका कमेंट भी पढ़ के अपनी वीडियो के एंड में लगाऊं, तो आप लोग जो है ना अच्छा सा कोई कमेंट कर दें। तो हम चलते हैं नीचे और मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो आयशा भी यहाँ पे आई हुई है। क्या कर रही हो यहाँ पे, क्या कर रही हो? चलो आ जाओ दोस्तों, मैं आ चुका हूँ मास्टर केज के पास। और माशाल्लाह दोस्तों हमारी अल्फा बीटा जो है वो बाहर निकली हुई हैं। ये देखें, इनको यान ने बाहर निकाल दिया था। माशाल्लाह ये घूम रही हैं काफ़ी टाइम से, बहुत प्यारी लग रही हैं। और एक और चीज़ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, आपको कुछ दोस्तों चेंजिंग नज़र आ रही होगी, आप गेस करके बताएंगे आपको क्या चेंजिंग नज़र आ रही है। चलिए मैं आपको खुद ही बता देता हूँ। ये हमने यहाँ पे प्लास्टिक शीट लगा दी है, ये चेक करें। यहाँ से पहले धूप आती थी बहुत ही ज़्यादा और गर्मी हो जाती थी, इसलिए यहाँ पे हमने प्लास्टिक शीट लगाई है। अभी जो है ना यहाँ पे फुल अंधेरा हुआ है और बहुत ही प्यारा, मतलब जो गर्मी होती थी ना वो बिल्कुल ख़त्म हो गई और बहुत ही प्यारा यहाँ पे मौसम हो गया। हमारे परिंदों को बिल्कुल गर्मी नहीं लगेगी अब, और हमने पौधों को अपने यहाँ पे ट्रांसफ़र कर दिया है। ये हमारा है सनफ्लावर, बेचारा जो है सूख के मर गया है और यहीं पे लगा हुआ है इसको। और एक गमला यहाँ से मिसिंग है, वो मैं आपको बताऊंगा कि वो हमने कहाँ पे रखा है। तो अभी ये देख सकते हैं, ये है एग्जीबिशन का केज, और एग्जीबिशन के केज के अंदर मैं आपको कुछ चीज़ें दिखाता हूँ। दोस्तों ये पिंजरा खाली है, इसके अंदर हमने फिंचेस लानी है। ये डब्बा जो है इसको भी हमने अंदर लगाना है अपनी डब्स के पास, आपको डब्स का बच्चा भी दिखाऊँगा अभी। और माशाल्लाह दोस्तों सीन इस तरह से है कि ये हमारे पैरट्स अंडे देते हैं लेकिन बच्चे नहीं निकालते। काफ़ी हमने इनको कोशिश की है ठीक करने की, बट नो रिजल्ट। दोस्तों इस दफ़ा हम इनकी फुल केयर करेंगे और कोशिश करेंगे इनसे हम ब्रीड लें। तो दुआ कीजिएगा दोस्तों ये अंडे में से बच्चे निकाल दें इस दफ़ा, आपने ज़रूर दुआ करनी है। जी क्या हुआ? हाँ हाँ ठीक है। चलिए दोस्तों अभी आपको मैं अपने रंगीन कबूतर की भी अपडेट देता हूँ कि वो वापस आया या नहीं। अभी मैं आ चुका हूँ, ये हमारे बजीज का केज है, ये हमारी डव्स का केज है, और ये पिजेंस का केज है। आपको हमारे केजेस तो आई थिंक अच्छे से याद हो चुके होंगे। ये मतलब पूरा सेटअप बना हुआ है ना, यहाँ पे हमारा एग्जीबिशन का केज बना हुआ है, फिर दरवाज़ा खोल के हम अंदर जाते हैं। बाहर जो है ना कबूतर आने वाले हैं एक दो दिन में, आज आने थे बट नहीं आ सके क्योंकि शॉप वाला बंद है। उससे मैंने बात की हुई थी, वो बोल रहे कि कल शॉप खोलूँगा। और यहाँ पे जो दोस्तों हमारी अल्फा बीटा गामा डेल्टा रहती हैं, तो अभी हम जाते हैं अंदर और मैं आपको गुड न्यूज़ भी सुनाता हूँ। इससे पहले मैं आपको अपने बेबी डब की अपडेट दे दूँ। माशाल्लाह दोस्तों बहुत ही प्यारा हो गया। काफ़ी मुझे कॉमेंट्स आते हैं कि यार अपने बेबी डब को आप दिखाया करो, लाजमी उसको सबसे पहले दिखाया करो वीडियो में। तो मैं ऊपर छत से स्टार्ट करता हूँ इसलिए कभी कभी लेट हो जाता है। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ, उसके बाद मैं आपको गुड न्यूज़ सुनाता हूँ और आपको रंगीन कबूतर के बारे में बताता हूँ कि वो वापस आया या नहीं। तो माशाल्लाह दोस्तों हमारा बेबी डव ये देखें हमारे हाथ पे हैंड टाइम होता जा रहा है। इसको मैं जैसी उंगली करता हूँ मेरी उंगली पे बैठ जाता है। ये देखें माशाल्लाह, जो मदर फादर हैं वो सामने बैठे हुए हैं। बहुत जल्द अंडे दे देंगे, मुझे उम्मीद है 2 या 3 दिन के अंदर शायद ये अंडे दे दें, क्योंकि जिस तरह से इनकी हरकत खतरनाक है मुझे लग रहा है ऐसे। तो दुआ कीजिएगा ये अंडे दे दें हमारे पास बहुत जल्द। और यहाँ इधर आओ, इसको पकड़ो, तुम्हारे पास आता है या नहीं चेक करते हैं। सिर्फ मेरे पास ही आता है या तुम्हारे पास भी आता है? हाथ उंगली आगे करो, करो 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 ऐसे। इसके पास नहीं जा रहा दोस्तों, सिर्फ मेरे पास ही आता है। मतलब दोस्तों ये मेरे साथ ही आदि हुआ है, इसके पास बिल्कुल भी नहीं जा रहा। अभी दोस्तों हम ऐसा करते हैं इसको वापस छोड़ते हैं। ये लें दोस्तों, इसको मैं वापस छोड़ देता हूँ। जाओ 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 जाओ, ये देखें उतर गया नीचे।
माशाल्लाह दोस्तों हमारे बजीज जो है ना उनके बच्चे निकलते जा रहे हैं बाहर डोलियों से। अगर आप चाहते हैं कि इनकी ब्रीडिंग प्रोग्रेस के ऊपर या फिर इनकी ब्रीडिंग फार्मूला के ऊपर मैं वीडियो बनाऊं तो आप जल्दी से कमेंट कर दें, ऐसे इंशाल्लाह मैं आपको ब्रीडिंग फार्मूला बताऊंगा कि आपके बजीज भी जो है ना इंशाल्लाह इसी तरह से जो है ब्रीडिंग स्टार्ट कर देंगे। वो देखें बच्चे, ये बच्चों ने जो है ना बाहर मुँह निकाला हुआ है, दो बेबीज़ हैं और एक बच्चा देखें बाहर निकला हुआ है, आपको नज़र आ रहा होगा जो चोंच हिला रहा है। माशाल्लाह इसी तरह से बच्चे निकलते जा रहे हैं तो बहुत ही जल्द दोस्तों कुछ ही दिनों में प्रॉपर एक वीडियो बनेगी जिसके अंदर मैं आपको सारे बजीज के बच्चों को दिखाऊंगा और उसके साथ ही हम गिव अवे के मुतालिक भी अनाउंसमेंट करने वाले हैं। बहुत जल्द रमज़ान ख़त्म होने वाला है, ईद पे एक स्पेशल वीडियो आएगी और उसके बाद हमारा गिव अवे स्टार्ट होगा। तो अभी हम ऐसा करते हैं मैं आपको दिखा देता हूँ कि हमारी जो लकी कबूतरी है दोस्तों, जो कि ब्लैक मेल के साथ उसने पेड़ लगा लिया था, माशाल्लाह उसने हमारे पास पहला अंडा दे दिया है। अभी मैं आपको अंडा दिखाता हूँ, आपको देख के बहुत ज़्यादा खुशी होगी। और उसकी जो वाइट कबूतरी थी दोस्तों वो भी अंडे पर तैयार हो गई है, पहले काफ़ी बीमार हो गई थी, ये देखें ये वाली कबूतरी काफ़ी बीमार हो गई थी, अभी माशाल्लाह ये ठीक हो गई है, पहले से बेहतर हो गई है। और अभी देखें मेल के साथ घूम रही है और इसकी दूसरी जो ब्राउन फीमेल है उसने अंडा दे दिया। ये देखें मैं आपको अंडा दिखाता हूँ, ये देखें दोस्तों एक अंडा इसने दिया है माशाल्लाह से, नेस्टिंग वगैरह इसने नहीं की, पता नहीं क्या सीन है, ऊपर पहले बैठी रहती थी, अंडा इसने यहाँ पर दे दिया, थोड़ा सा घास पड़ा हुआ है तो जल्दी से यहाँ पर मैं नेस्टिंग ऐड कर देता हूँ ताकि जो है ना इसका अंडा ख़राब ना हो। थोड़ा सा दोस्तों यहाँ पे मैंने घास डाला है, बाकी इंशाल्लाह नेस्टिंग दोस्तों मैं बाहर से लेके आऊँगा और फिर जो है ना इसको ला के मैं यहाँ पे रखूँगा ताकि इसका अंडा जो है वो बिल्कुल ठीक रहे। यहाँ पे थोड़ी सी पड़ी हुई है, ये देखें इसको हम यहाँ पे रख देते हैं ताकि अपने अंडे की जो है ना अच्छी तरह से केयर कर सके। ये देखें ये सारी नेस्टिंग ऊपर जमा करती रही है बट अंडा इसने नीचे दे दिया। मुझे काफ़ी टाइम से इंतज़ार था और अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारी कबूतरी ने अंडा दे दिया है, मुझे काफ़ी ज़्यादा खुशी हो रही है दोस्तों। अगर आपको खुशी हुई, आपको अच्छा लगा तो आपने कमेंट्स में ज़रूर माशाल्लाह लिखना है ताकि इसको नज़र ना लगे। और हमारा मोतियों वाला कबूतर कल उड़ा था ना, यहाँ पर जाके बैठ गया था, यहाँ से दौड़ के फिर यहाँ पर आया था, तो वो कबूतर आज जो है वो वापस आ गया, बल्कि कल ही वापस आ गया था, तो उसको मैंने अंदर बंद कर दिया था। वो देखें नीचे बैठा हुआ है, एक मिनट मैं आपको दिखाता हूँ, ये बैठा हुआ है सामने। तो दोस्तों हमने जो है ना इसके लिए फीमेल लेके आनी है क्योंकि ये हमारा बहुत ही वफादार कबूतर साबित हुआ, ये बहुत उड़ के ना फिर हमारे पास वापस आया। हमारा जो रंगीन कबूतर था दोस्तों वो मैं आपको दिखाता हूँ, वो पहले गया जी ऊपर उस जगह पे, ठीक हो गया, फिर वहाँ से उड़ के उस साइड पे गया, उस जगह मैंने आपको वीडियो में दिखाया होगा, कल वाली वीडियो शायद आपने देखी होगी या नहीं, तो वहाँ से उड़ के फिर वो सीधा आगे चला गया, उसके बाद वो हल्का सा इधर आया फिर दोबारा वापस चला गया, मतलब वो वापस नहीं आया। यार बहुत ही अजीब सी बात है, मतलब काफ़ी दिन इस घर में रहा है लेकिन वो कबूतर उड़ गया और वापस नहीं आया, बहुत ही बेवफा कबूतर वो साबित हुआ है। खैर कोई बात नहीं है, अभी जो है हमने क्या करना है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो की थोड़ी सी अपडेट दे दूँ। हमने नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों अपना जो मोतियों वाला कबूतर है ना इसके लिए लेके आनी है फीमेल, हमारा जो कमांडो कबूतर है इसके लिए लेके आनी है फीमेल, और एक दो कबूतर और भी हैं वो भी लाने हैं, तो बहुत प्यारे प्यारे कबूतर आने वाले हैं हमारे सेटअप में, बहुत मज़ा आने वाला है। और लकी कबूतर बाहर निकल गए, वो देखें अभी बाहर निकल गए थे फिर वो अंदर चले गए। दोस्तों माशाल्लाह हमारी लकी कबूतरी ने अंडा दे दिया, इसकी नेस्टिंग भी जो है ना मैं कंप्लीट करता हूँ अभी जाके। उम्मीद करता हूँ आज का व्लॉग आपको पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। तो दोस्तों क्यूत लोगों का कमेंट्स है माशाल्लाह, थैंक यू ब्रो, जजाकल्ला, बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद हमारे पास एनिमल फार्म इन कराची का कमेंट है माशाल्लाह, वेरी नाइस कबूतर, थैंक यू सो मच, जजाकल्ला। उसके बाद SSL टाइप ब्लॉग्स माशाल्लाह, जजाकल्ला ब्रो, थैंक यू सो मच।